पटना के गोला रोड में जल्दी खुलने वाला नीरज सिनेमा हॉल। जी हाँ, डेट इसका पता चल गया मेरे को। कमेंट में बोलेंगे कितना बड़ा है, क्योंकि वीडियो में जितना दिख रहा है उतना बड़ा मॉल होने वाला है। सिटी सेंटर से बड़ा तो नहीं होने वाला है। तो 3 स्क्रीन मीडिया सिनेमा हॉल खुलने वाला अपने पटना के गोला रोड में। दोस्तों बहुत सारा सिनेमा हॉल खुलते जा रहा है, अभी सिनेमा हॉल का इंतजार है, काफ़ी लग्जरी सिनेमा हॉल होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जय, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं गोला रोड में जो नया सिनेमा हॉल बनने वाला है उसी का अपडेट देने वाला है। तो पूरा लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। अभी दोस्तों होली का टाइम है तो सब कुछ बंद है, दे सकते हैं। यहीं पर है SS मेट्रो मॉल रेसिडेंट टावर, यहीं पर हम लोग का 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खुलने वाला है। मीडिया सिनेमा इसका है, देख लीजिए नाम। यहीं पर बिल्डिंग में यही बन रहा है नीचे, SS मेट्रो मॉल इसका नाम है। पूरा SS मेट्रो मॉल है, गोला रोड में है, टी पॉइंट बोलते हैं। रेडीज टू मूव फ्लैट अवेलेबल, सेल सब कुछ रहेगा। फ्लैट वगैरह बगल में रहेगा, ये वाला फ्लैट रहेगा। बाकी यहाँ पर 3 स्क्रीन मीडिया सिनेमा हॉल खुलने वाला है। तो 3 स्क्रीन मीडिया सिनेमा हॉल खुलने वाला अपने पटना के गोला रोड में। दोस्तों बहुत सारा सिनेमा हॉल खुलते जा रहा है, अब सिनेमा हॉल का इंतजार है, काफ़ी लग्जरी सिनेमा हॉल होने वाला है। और इसका बता देते हैं, इसका स्क्रीन जो पटना का रीजेंट और मोना है ना, उतना बड़ा स्क्रीन होने वाला। बाकी जो भी सिनेमा हॉल खोल रहा है उतना बड़ा नहीं, उससे बहुत बड़ा इसका स्क्रीन रहा है दोस्तों। तो पटना में लगातार सिनेमा हॉल खुलते जा रहे हैं। अभी नया PVR आइनॉक्स खुला है, आइनॉक्स PVR आइनॉक्स सब बोल सकते हैं सिटी सेंटर में। अगर आप लोग नहीं गए तो अगर जरूर जाइएगा, वहाँ का 3D का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं पता है। तो 3D मूवी आने वाला कॉन्ग गॉडज़िला, तो उसका जाएंगे रिव्यू अच्छा से देंगे, कैसा 3D एक्सपीरियंस मेरे को वहाँ पर रहा। और बहुत कोई कंपेयर वाला बता रहे, तो कंपेयर का मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके सेकंड व्लॉग में शायद 5-6 हज़ार व्यू गया होगा, तो उसमें आप लोग चेक कर लिया, फिर से अलग से बना देंगे। अशोक और ये दोनों में क्या डिफरेंस है सिटी सेंटर वाला। पटना के गोला रोड में जल्दी खुलने वाला मिरर सिनेमा हॉल। जी हाँ, डेट इसका पता चल गया मेरे को। बताया जा रहा है कि 2025 में ये सिनेमा हॉल बनकर तैयार हो जाएगा। मॉल पूरी तरह से नहीं होगा, मॉल बनते रहेगा, बट सिनेमा हॉल पहले ओपन हो जाएगा। 2025 इसका लास्ट डेट दिया गया है। 3 स्क्रीन का यहाँ पर खुलने वाला है सिनेमा हॉल, और मिरर सिनेमा हॉल का स्क्रीन बताया जा रहा थोड़ा बड़ा होगा, आपको रीजेंट या मोना जैसा आपको शायद बड़ा स्क्रीन मिले। फिलहाल तो अभी पक्का नहीं है, बट जितना मेरे को पता चला मैं आपको बता दे रहा हूँ। और काफ़ी लग्जरी होगा, यहाँ पर रिक्लाइनर सीट भी होगा, जैसे आपने अशोक ये सब में देखा है बटन वाला, वो भी यहाँ पर होने वाला है। मीडिया सिनेमा हॉल के बारे में जितना दोस्तों मेरे को पता मैंने बता दिया, बाकी और फ्यूचर में 2-3-4 महीने के बाद फिर से आएंगे, फिर से आपको मीडिया सिनेमा हॉल के बारे में जितना दोस्तों मेरे को पता मैंने बता दिया, बाकी और फ्यूचर में 2-3-4 महीने के बाद फिर से आएंगे, फिर से आपको अपडेट देंगे। बाकी SS मेट्रो मॉल जो ये बन रहा है इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर ऊपर से अगर आप लोग देख रहे हैं तो साइड में आप लोग देख सकते हैं फ्लैट वगैरह भी यहाँ पर रेडी है। फ्लैट के लिए यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पे वीडियो में बोर्ड में नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉल करके आप लोग यहाँ से बात कर सकते हैं, अगर फ्लैट वगैरह आपको चाहिए तो। ये पटना के गोला रोड में बिल्कुल अंदर है, जिसको टी पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ का बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था, सच बोलो तो मेरे को यहाँ का एरिया का कुछ भी पता नहीं था, सब्सक्राइबर से ही मेरे को पता चला कि यहाँ पर सिनेमा हॉल भी खुल रहा है। बहुत बहुत टाइम से 2-3 महीना से आ रहा था, बट मैं इग्नोर कर दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा था। गोला रोड में आया बहुत अंदर तक, लेकिन मेरे को दिखा नहीं है टी पॉइंट क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अचानक से बहुत अंदर तक गया तो फिर बहुत लोग बोले कि अंदर टी पॉइंट एकदम आगे बोलते हैं लास्ट में, तो लास्ट में गया तो मेरे को दिखा 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स यहाँ पर सिनेमा हॉल खुल रहा है और SS मेट्रो मॉल बन रहा है। इस मॉल के बारे में भी कुछ आप लोगों को दोस्तों बता देते, कितना फ्लोर का ये होने वाला है ये मेरे को अभी नहीं पता चला, बट कुछ जो पॉइंट मेरे को पता चला वो आपको बता देंगे। इस मॉल में आपको बेसमेंट पार्किंग भी होने वाला है, डबल बेसमेंट होगा ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि अभी इस मॉल का काम चल रहा है। आपको फिर से बता रहे हैं सिनेमा हॉल शायद 2025 तक बताया गया खुल जाएगा, मॉल बट बनते रहेगा। और साइड में फ्लैट वगैरह के लिए पूरा आप लोग देख सकते हैं बना हुआ है, फिर से बता रहे हैं नंबर जो दिख रहा है जो वीडियो में उस पर कॉल करके आप लोग बुकिंग के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। बाकी मॉल का और क्या कुछ होगा इसमें जानेंगे, फिर से कभी आएंगे तो फिर से आपको बताएंगे। काफ़ी खूबसूरत मॉल बनने वाला है, कमेंट में बोलेंगे कितना बड़ा है। देखिए वीडियो में जितना दिख रहा है उतना ही बड़ा मॉल होने वाला है, सिटी सेंटर से बड़ा तो नहीं होने वाला है। मतलब कम से कम चलिए इतना तो है कि गोला रोड में एक मॉल भी बन रहा है पब्लिक के लिए होने वाला, बहुत बड़ा मॉल तो नहीं बन रहा है। कितने फ्लोर का कोई अंदाज़ा नहीं है अभी, 3-4 मेरे को अप्रॉक्स लग रहा है, 4 या 5 फ्लोर का मेरे को अप्रॉक्स मॉल ये लग रहा है। बट अभी फ्यूचर में फिर कभी आएंगे तो अच्छा से थोड़ा डिटेल में पता कर लेंगे, अभी कोई बताने वाले हैं नहीं यहाँ पर इस कारण से। बाकी आप लोग को पूरा दिखा दिए हैं, काफ़ी अच्छा इलाका है, एकदम खाली यहाँ पर रहता है, जब आते हैं मेरे को ज़्यादा भीड़ नहीं दिखता है बहुत। जब शुरू से एंट्री करिएगा गोला रोड में तो आपको जाम देखे, लेकिन ये जहाँ पर बन रहा है यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल खाली इलाका है, बिल्कुल खाली रहता है यहाँ पर। चलिए पटना के गोला रोड में रहने वालों को भी अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए मॉल भी यहाँ पर खुल जाएगा। और सबसे खुशखबरी और सबसे अच्छी बात है कि सिनेमा हॉल
दूर जाना पड़ता है तो उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब पटना के हर कोने में किसी को अपने ही एरिया में एक सिनेमा हॉल मिल जा रहा है, तो कहीं दूर नहीं जाना। जैसे गांधी में 2-3 सिनेमा हॉल मिल जाता है तो उस एरिया के लोग वहीं पर जाएंगे, ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाएंगे। लग्जरी सिनेमा हॉल चाहिए तो JD मॉल में आपको वीडियो आप देखे होंगे मेरा, वहाँ लग्जरी सिनेमा हॉल में आपको मिल जाता है, SP रोड में आता है। PN मॉल है, PN मॉल जाएंगे, हर एरिया का आप समझिए अपना एक हो गया, आप किसी को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। कंकड़बाग में भी ग्रेविटी मॉल का काम चल रहा है तो उसमें भी सिनेमा हॉल फ्यूचर में खुलेगा इस तरह से। और मेरे को पता चला कि एक और सिनेमा हॉल कंकड़बाग में खुलने वाला है, एरिया कहाँ पर भी पक्का नहीं पता, बट जब पता चलेगा तो वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को पता चलता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, कैंडीमैन व्लॉग, कोई स्पेस नहीं देना है। बाकी मेरे सिनेमा का दोस्त वो लोग बता दिए, यहाँ का जो सिनेमा हॉल रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा, यहाँ जो खुल रहा है अपार्टमेंट के बगल में, अपार्टमेंट फ्लैट वगैरह बन रहा है उसी के बगल में मेट्रो मॉल बन रहा है, उसी में सिनेमा हॉल भी खुलने वाला है। तो पूरा डेट भी आपको बता दिए कब खुलने वाला है, सब कुछ आपको बता दिए, फिर से व्लॉग लेकर आएंगे कुछ महीने के बाद, देखते हैं अंदर जाकर परमिशन मिल। चलिए दोस्तों छोटा सा अपडेट था, फाइनली इस व्लॉग को एंड करेंगे, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो अगर व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।